Let's learn and earn from your home. Learning with earning. अच्छा ये स्टार्ट में मतलब आपने इंट्रोडक्शन लिखा जो भी आप आर्टिकल लिखने वाले हो स्टार्ट में आपको कुछ मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ जो होता है उस आर्टिकल का पूरा इंट्रोडक्शन होता है अब टाइटल के बाद आपने कंटेंट स्टार्ट किया है और उसमें आपने स्टार्ट में कीवर्ड यूज किया है ठीक है अगर 500 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आप उसमें 3 से 5 बार यूज कर सकते हो कीवर्ड लेकिन बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपका कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो आप उसी लॉन्ग टेल कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हो तो वो नहीं यूज करना आप उसको कहते हैं ना कि वो चिल्ड्रन कीवर्ड में चेंज कर लेते हैं तो फिर उसमें कन्वर्ट कर लें फिर उनको यूज कर लें कंटेंट में क्योंकि ऐसा होता है कि हम हेडिंग्स जो बाद में हेडिंग्स आती हैं उनमें भी यूज करते हैं हम लोग इसको कीवर्ड को और फिर लास्ट टाइम में भी यूज काफी सारा हो जाता है फिर जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होने लग जाती है तो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है तो इसलिए आपने इस तरह नहीं करना अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो उसको बार बार नहीं यूज करना और अगर है छोटा सा कीवर्ड है तो आप उसको यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद इंट्रोडक्शन में होना चाहिए कीवर्ड फर्स्ट लाइन अगर आप फर्स्ट लाइन में यूज कर लो तो बहुत बेस्ट है सही होगा कि आप हेडिंग अपने पास से बनाओगे आपको कीवर्ड उसका सर्च करना पड़ेगा अगर आप अभी गूगल कीवर्ड प्लानर में भी चले जाते हो ना तो आप सिर्फ ये लेंथ सर्च करोगे ना आपको हजारों की तादाद में वो कीवर्ड्स भी बता देगा उसका क्या कहते हैं वो कंपटीशन भी बता देगा कंपटीशन रेट क्या चल रहा है उस पे क्लिक्स पे कितना रेवेन्यू आ रहा है वो भी बता देगा और एक और चीज है वो मतलब आपको इतने कीवर्ड्स आपको वहां पे बता देगा ना तो आप लोग को उन 3 चीजों को चेक करते हुए रिलेटेड कीवर्ड पेशम में आई थिंक स्टाइल्स की अगर बात हो रही है एग्जैक्टली तो वो डिफरेंट स्टाइल होते हैं एकेडमिक राइटिंग के आपको मतलब गूगल का बिल्कुल भी लाइक आइडिया नहीं होता उस तरह से कि क्या पता वो आज ये चीज कर रहा है इस तरह से उसने साइट्स को रैंक किया कल को वो किसी और तरह से करने लग जाए गूगल का हर ईयर ही ऑलमोस्ट चेंज होता रहता है अच्छा उसके बाद कीवर्ड फ्रिक्वेंसी अच्छा ये भी फैशन कहते हैं कि कीवर्ड फ्रिक्वेंसी मैटर करती है और कुछ लोग कहते हैं कीवर्ड फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती लाइक बिल्कुल भी मैटर नहीं करती तो डिफरेंट ओपिनियंस है एसईओ वालों को ज़्यादा पता होगा बट कंटेंट में कीवर्ड की फ्रिक्वेंसी मैटर करती है अच्छा और अब आप लोगों को देखना होता है कि भाई कितनी बार आपने जो है वो उसको यूज किया भी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था वो पेज ओपन करके किस तरह से आ रहा है अच्छा उसके बाद हमने क्या किया कि अगर आपका टारगेटेड कीवर्ड बेस्ट लंदन होटल्स है तो कितनी बार आना चाहिए 300-500,000 वर्ड्स के आर्टिकल में तो आपने उसी को मतलब उस तरह से ही करना है उस डेंसिटी को देखना है एंड देन उसके बाद आपने उसको प्लेस करना है अपने कंटेंट में अकॉर्डिंगली और वैसे डेंसिटी के 3-4% होनी चाहिए अच्छा ये सिंपल एक इमेज बनाया हुआ है इसमें कीवर्ड कैसे प्लेस होना चाहिए आप देखें रिस्ट वॉचेस का था तो रिस्ट वॉचेस में फर्स्ट लाइन में यूज हुआ हुआ है देन ब्रांडेड वॉचेस यहाँ पर यूज हुआ हुआ है मिड में पैराग्राफ के देन लास्ट लाइन में यूज हुआ हुआ है और ऑल टेक्स्ट बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि ऐसा होता है कि अगर मेरी साइट है और एक आपकी साइट मैंने अब क्या किया कि मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा शेयर किया मैंने उसकी ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छी किया मैंने उसकी ऑफ पेज एसईओ बहुत मीडिया बहुत ज्यादा उसको मैंने चलाया है इधर उधर मैंने ग्रुप में पोस्ट किया मैंने बहुत कुछ किया लेकिन आपने वो सब नहीं किया आप बैठ के वेट कर रही हो कि आप सर्च करेगा और फिर आके आपकी सहेगा तो ये चीज मैटर करती है इस तरह से जो है ना हमारा हमारी चीज वो चल रही होती है दूसरा अगर मैं मतलब हम लोग सेम उस पर काम करें आप भी कुछ चीज सेल कर रही हो मैं भी कुछ चीज सेल कर रही हूँ तो मैंने अगर मैंने अपने यहाँ पे ही अपने एरिया में जाके अपने क्लाइंट्स बना लिए कि यार ये देखो मैं ये चीज सेल कर रही हूँ मेरी वेबसाइट है इसको जरूर विजिट करना आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो इस तरह से ये होगा कि आपको उतनी ट्रैफिक नहीं मिलेगी जितनी मुझे मिल जाएगी तो सिर्फ फैक्टर्स आ जाते हैं इट्स नॉट ओनली द कंटेंट अच्छा मैं ये बता रही थी कि आपने वो पूछा ना क्वेश्चन जो था आपका तो आपके क्वेश्चन का मैंने ये बताया कि देखें अगर आपकी एक साइट है और एक मेरी साइट है
तो आपकी और मेरी सेम निश है, हम एक ही निश में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको मतलब इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया। मैंने उसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया है फेसबुक पे जाके। फर्ज करें अगर मेरी कोई सेलिंग की, मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, ठीक है, मेरी सेलिंग की वेबसाइट है, और मैंने जाके उसे लाइक जैसे अगर मेरी रिस्ट वॉचेस की ही साइट है, ठीक है, आपकी भी है, तो अगर मैंने उसे फेसबुक पे जाके ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है रिस्ट वॉचेस, ठीक है, फलानी जगह, ठीक है, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन के लिए मिल जाते हैं फेसबुक पे। फिर मैंने क्या किया कि वहां पे जाके अपनी साइट के लिंक्स डाले हुए, उधर से मुझे ट्रैफिक आ रही है। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि अपने एरिया में जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया, भाई मैं ये रिस्ट वॉचेस पे मैंने बहुत ज्यादा जो है ना मैं काम कर रही हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करें, लोगों को भी बताएं। वो सुनो देन लेटर वो ब्लॉक हो जाते हैं, मेरी वो इतना अर्सा चलते नहीं है, क्योंकि गूगल को जाहिर सी बात है कॉपीड कंटेंट नहीं चाहिए होता, वो ब्लॉक कर देता है। आप बना के देख लें, कोई भी साइट उठा के मतलब बना के देख लें, तो वो बहुत जल्दी गूगल उसको आराम से ब्लॉक करेगा, साथ एडसेंस भी जो उन्होंने लगाया हो अगर वो भी ब्लॉक हो जाता बहुत इजीली, क्योंकि कॉपीड नहीं चलता। कॉपीड कंटेंट कहीं से भी आप उठाओगे ना तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसीलिए तो कहते हैं लाइक अगर आपको कोई बंदा लिखने को देगा ना, तो अगर वो उसमें 2%, 3%, 4% डीप प्लेजरिज्म आजकल आ रहा है ना, तो वो उसको कहते हैं कि भाई नहीं मुझे ये भी रिमूव करके दो, इतना डरे हुए हैं गूगल से लोग आजकल ऐसे। लेकिन ये है कि बिल्कुल भी प्लेजरिज्म वाला सीन गूगल नहीं उसको बर्दाश्त कर रहा आजकल, तो ये है कि बिल्कुल ही मतलब ये एक मेन चीज उसमें भी आती है कि आपकी साइट रैंक हो रही होती है और फिर बीच में आपका प्लेजरिज्म का सीन आ जाए तो वो गूगल उसको डाउन कर देगा, मतलब आपकी साइट बहुत जबरदस्त चल रही है लेकिन जरा सा भी कुछ हो तो बंद हो जाए, तो फिर ये सीन थोड़ा बैड हो जाता है। तो इस तरह से हाँ इस तरह से ये हो जाता है कि वो कोई प्रॉब्लम। अच्छा उसके बाद ये है कि अब कीवर्ड मतलब किस तरह से पुट किए जाते हैं, अब मैं रफ सा आइडिया दे देती हूँ कि आप अपनी हेडलाइन में यूज कर सकते हैं, हेडलाइन लाइक टाइटल, टाइटल में यूज कर सकते हैं आप, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, देन आप फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में यूज करें तो बहुत बेहतर है। फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में यूज करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि गूगल बहुत जल्दी से आपको मतलब वो जो भी किसी ने अगर वही कीवर्ड सर्च किया हुआ है तो आपकी साइट को बिल्कुल सामने ले आता है। बेशक आपकी साइट मतलब कह लें कि बहुत ही सिंपल सी साइट है और बहुत बड़ी बड़ी साइट्स को कम्पीट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आपकी साइट ऊपर आ जाती है, वो सिर्फ इसलिए कि आपने कीवर्ड बहुत अच्छी तरह से यूज किए हुए होते हैं। पर हेडिंग इसलिए ज्यादा मैटर नहीं करती, मतलब इस तरह से कि ये वाली चीज, ये एक आप समझ लें कि कीवर्ड इन्होंने उठाया हुआ है, ठीक है, तो ये इसलिए मैटर नहीं करती कि आगे पीछे इन्होंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ होगा, लाइक टॉप 10 अल्टरनेट्स ऑफ AdSense which can help you the better way or like whatever, तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने की भी होती हैं ताकि उनको कोई इश्यू ना हो इससे, क्योंकि अगर एक बंदा इसी चीज पे लिख रहा है तो फिर वो और उसको क्या देगा, अब यही वाला कीवर्ड है जो लोग सर्च करें तो फिर वो उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती कि भाई वो और क्या करे इसको, मतलब कैसे चेंज करे वो सारा, ठीक है, तो ये इसका कोई खास इशू नहीं होता, बाकी कॉन्टेंट का होता है बहुत होता है। अच्छा उसके बाद ये हो गया कॉन्टेंट,